गंगा देवी, कुछ अजीब सा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? आप खुद ही कह रहे थे कि चलते और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। चलते ना, अब तो प्रतियोगिता खत्म भी होने वाला होगा, आखिर में भी पहुंच जाएंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। पर हाँ बोलो, अब तो बहुत देरी भी हो जाएगा, लेकिन अभी बताओ कि अब कुछ हो सकता है या नहीं? चाचा जी, हार मानना तो हमें आता ही नहीं है। हम कुछ ऐसा सोचे हैं जिससे पिंटू जी और कृष्णा अभी भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। देवियों और सज्जनों, मिस्टर एंड मिसेस भागलपुर के ग्रैंड फिनाले में आप सबका स्वागत है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि खत्म होने वाला है आपका इंतजार। आने वाली है वो फैसले की घड़ी। तो देखते हैं कि किसके सर पर बनने वाला है जीत का ताज। कोई अंदाजा है आप लोगों को? कोई नाम है आपके जहन में? फिलहाल हमारे तीनों फाइनलिस्ट अपने अगले राउंड की तैयारी में जुटे हुए हैं। कृष्णा, बस आखिरी राउंड बचा है, तुम पूरा हौसला के साथ डांस करना और फिर देखना सब कुछ ठीक होगा। आप साथ हैं तो फिर कैसा घबराना। तो दोस्तों, अब शुरू होने वाला है हमारा सबसे मजेदार राउंड, जो आपको भी झूमने पर मजबूर कर देगा। और इस राउंड का नाम है नाच नचैया धूम मचैया। आइए बुलाते हैं हमारे सबसे पहले जोड़ी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर एंड मिसेस संतोष सिंह जी का। किनरे तू un viaje está he removido cielo y tierra y no te encontré y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. Na me samjha na me jana जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेनोरिटा। सुनो सुनो सेनोरिटा, कहते हैं हम क्या। Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेनोरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबां है सेनोरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो,
समझ ही ना सेनोरिटा, चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या सेनोरिटा, सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं हम क्या। मनीषा दीदी, ये लोग तो ऐसा डांस कर रहे हैं जैसे बहुत सालों से सीख रहे हो। पता नहीं कृष्णा दीदी और पिंटू जीजा जी ठीक से कर पाएंगे कि नहीं। अरे काहे नहीं कर पाएंगे, कृष्णा और पिंटू जी किसी से कम थोड़ी ना है, और फिर तुमने ही तो डांस सिखाया है ना। कृष्णा, इसमें तो तुम बहुत सुंदर दिखोगी। हम क्या सोच रहे थे कि अभी हमारे परफॉर्मेंस को थोड़ा सा टाइम है, पहले तुम्हारे वो चाचा चाची का परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद जाके हमारा नंबर आएगा, तो क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए। मतलब? अरे मतलब ये कि क्यों ना थोड़ा बहुत रियाज व्यास कर लें। नहीं नहीं, हमको तो लगता है कि अभी हम लोग को रियाज करने के बजाय एक बार चंचल को फोन कर लेना चाहिए, क्या पता वो कोई नुस्खा उसका बता दे। हाँ ये बात भी सही, अभी चंचलिया को फोन लगाते हैं। अरे थक तरीकी, हमारे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। पिंटू जी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए, एक परफॉर्मेंस के बाद में आपका ही नंबर आने वाला है। हाँ बस अभी होते हैं। कृष्णा हमारे फोन में टावर नहीं आ रहा है, तो बाहर जाके चंचल से बात कर लें। चल कृष्णा, यहां से। चली थी डांस करने, बहुत तरस आ रहा है कोयला खदान पर किस्सा ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। काहे हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी हो, कहाँ बिगाड़े हम तुम्हारा? बहुत कुछ बिगाड़ी हो, गिनवाने लगेंगे ना तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। पिंकी हमसे इतना दुश्मनी काहे, हम तुम्हारी बहन है बहन, वही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है कि तुम हमारी बहन हो। अगर कोई और होता ना तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं देख सकते तुमको हमसे आगे बढ़ते हुए, हम नहीं देख सकते, इसलिए तो तुम्हारे पंख उतर के हम तुम्हारे सपनों के सफर पर फुल स्टॉप लगा दिए हैं। काहे पिंकी काहे, तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना नफरत काहे है? हमारा अरमान पर कैंची चलाने से पहले एक बार तो सोची होती। एक बार नहीं, कई बार सोचा, और उसके बाद हमने वही किया
जो हमें ठीक लगे, क्योंकि तुमसे आज से नहीं बचपन से तकलीफ है हमें। हमको तो तुम्हारा हर नखरा उठाना में आनंद मिलता था। तुम झगड़ा करती थी और हम उसको सुलटाते थे। स्कूल में जब बीना और सरिता तुम्हारा टिफिन चुरा के खा लेती थी तो हम तुमको अपना टिफिन खिला के खुद भूखे घर वापस लौटते थे। तुम जब गणित का परीक्षा में फेल हो गई थी तो 12 बजे तक जाग के हम तुमको सारा सवाल समझाए थे पिंकी। बहुत मुश्किल से पापा हमारे लिए स्कूल का एक नया बैग लाए थे, तुमको पसंद आ गया। हम एक मिनट का भी देरी नहीं किए वो बैग तुम्हारा पुराना बैग से बदलने में। फिर भी तुमको हमसे तकलीफ है, क्यों तकलीफ ना हो? हाँ, हम तुमसे ज्यादा सुंदर हैं, तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी बोलना जानते हैं, और तो और हमारे पापा तुम लोगों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। फिर भी हमने आज तक सिर्फ तुम्हारे नाम का गुणगान सुना है कि कृष्णा ने ये किया, कृष्णा ने वो किया, और हमसे कहा गया कि कृष्णा की तरह बनो। क्यों? कृष्णा ना हो गई कोई भगवान हो गई। तुमने हमें बहुत दुखी किया है और इसलिए हमने सोच लिया था कि हम तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि तुम से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, और हमको तो इस बात का खुशी है कि चाचा जी इतना तरक्की किए। सच मानो हम तुमको दुखी करने के बारे में कभी नहीं सोचे। तुम तो जानती हो पिंकी कि हम इस प्रतियोगिता में इसीलिए हिस्सा लिए हैं, कहे कि रवि भैया को अपना ठेका पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, हमको अपना आईएएस का तैयारी करने के लिए महंगा महंगा किताब चाहिए, आखिरी इच्छा था कि अब आईएएस बने। भूल जाओ कृष्णा, क्योंकि हम तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने देंगे। हम तुम्हें आईएएस नहीं बनने देंगे। ऐसा मत बोलो पिंकी, आपका सपना पूरा करने के लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। जी जान लगा दोगी ना तो भी आईएएस का एग्जाम नहीं दे पाओगी। का मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब है कि हम तुम्हारा आईएएस का फॉर्म यूपीएससी के हेड ऑफिस तक पहुंचने ही नहीं दिए। क्या कह रही हो तुम? हम जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहा है ना, हम तुम्हारे पर्स से तुम्हारा फॉर्म निकालें। कृष्णा, आईएएस कैसे बनोगी? कैसे अपने पापा का सपना पूरा करोगी? अपने रवि भैया के ठेके के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करोगी? कहे कि उसके लिए तुम्हें डांस करना पड़ेगा। और तुम्हारी डांस के कपड़ों का हालत कुछ चिंताजनक लग रहा है कृष्णा।
बनोगी कृष्णा? आईएएस कैसे बनोगी? कैसे अपने पापा का सपना पूरा करोगी? अपने रवि भैया के ठेके के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करोगी? चाचा जी बोलिए। हाँ बिटिया बिटिया, हम यहाँ पहुँच तो गए पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम बैठे तो बैठे कहाँ। अरे अंदर जाके देखे तो हुआ तो खचा खच भरा हुआ है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को भेजते हैं। हाँ भेजिए, जरा जल्दी भेजिए। सुनो जी मैडम, हमारे बहुत सारे मेहमान बाहर खड़े, तुम जाकर उन्हें ले आओ। अरे पिंकी जी कहाँ चली गई थी आप? अच्छा हुआ समय पर आ गई, आपके मम्मी पापा का परफॉर्मेंस अब शुरू ही होने वाला है। हेलो। हाँ सोनू। पापा आप कब आएंगे? बेटा हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम आ जाएंगे। तुम खाना खा लिए? हाँ हम वही कर रहे हैं। है? सोनू का फोन है, हमें दीजिए ना। अच्छा हेलो सोनू, हम तुम्हें याद तो है ना? अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए ना बहुत सारा चॉकलेट्स खरीद के रखे हैं, तो अगली बार जब हम तुमसे मिलेंगे तो तुम्हें दे देंगे, ठीक है? अच्छा आप पापा से चॉकलेट भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बाय बाय। तो दोस्तों नाच नचैया धूम मचैया में अब बारी है हमारे अगले फाइनलिस्ट की, मिस्टर एंड मिसेस बिहारी राज जी। समझ में नहीं आ रहा कि इस उम्र में ये सब नाटक करने का क्या जरूरत है? ये देखो सबको हंसने का मौका दे रहा, काहे कि ये लोगों को दीदी और जीजा जी का बराबरी जो करना था। अब हमारा ये राउंड नाच नचैया धूम मचैया अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में हमारी आज की आखिरी परफॉर्मेंस लेकर आ रही है हमारी आखिरी जोड़ी मिस्टर एंड मिसेस पिंटू सिंह जी की। आएगा मजा, अब देखते हैं कृष्णा कि तुम कैसे डांस कर पाती हो।